बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी मन की बात करते हैं, काम की नहीं। गैस, पेट्रोल, राशन सहित सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। मोदी सरकार के राज में 8 महीने में 40% तक महंगाई बढ़ी है। सीमेंट, सरिये की बड़ी दरों से अब मजदूर और व्यापारी वर्ग लगातार त्राहिमाम कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगी हुई है। वहीं डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार वैक्सीन देने में भी राजनीति से पीछे नहीं हटी। महामारी में हुई मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।